नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। यानी कांग्रेस के सामने 23 और 24 में चुनौती मोदी की रहेगी। शहडोल से पीएम मोदी ने कांग्रेस की नियत स्कीमों पर, गारंटी कार्ड से लेकर परिवारवाद तक पर हमला बोला। जवाब कांग्रेस का भी आया, लेकिन संकेत यही है कि 23 की लड़ाई में भी कांग्रेस को पीएम मोदी का सामना तो करना ही पड़ेगा। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ आपको वर्जन सुनवाते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और उसके जवाब में कांग्रेस ने आखिर क्या कहा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। यानी उनके पास देश के सामान्य मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपड़ करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे, नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की, बिल्कुल झूठ। और जिस पार्टी को जीतना ना होए वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। वो तो कहेगी मैं आपको स्कूटर क्या, मैं तो आपको हेलीकॉप्टर दूंगा। कांग्रेस को किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। जिसके पुरोधाओं ने स्वतंत्रता की सांसें दिलाई हैं, जवानी की जाने कितने बसंत जेल में बिताए हैं, आपके परिवार में शायद एक भी नाम नहीं होगा जिसने शहादत दी उस देश पे। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, उस परिवार के ऊपर कीचड़ उछालना। तो प्रधानमंत्री भोपाल आए थे, भोपाल से भी उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के मद्देनजर बातें की थी, और आज शहडोल जब पहुंचे तो शहडोल से भी उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठा दिए। कई सवाल कि आखिर 70 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया, भूखे भरपेट भोजन की गारंटी आप नहीं दे पाए, 70 साल में आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दे पाए, 70 साल में आप और भी बहुत कुछ ऐसा जो नहीं दे पाए आम जनता को, और यहां तक कि सवाल उस गठबंधन पर भी उठा दिया जो 2024 के लिहाज से बन रहा है। चर्चा हम करेंगे सभी पहलुओं पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्चना चिटनीस जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संजय यादव जी विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है संजय जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय यादव जी, चूंकि जो बड़ा प्रहार, पहला प्रहार प्रधानमंत्री का, वो कांग्रेस पर ही है, न केवल 24 के लिहाज से बल्कि 23 के लिहाज से भी। 2023 में पहली बड़ी जंग आप लोगों को लड़नी है, गारंटियों पर ही सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री, जो लोग आप दे रहे हैं गारंटी।
पहली बात तो शिवराज जी की गारंटी पे सवाल उठाना चाहिए इनको कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। और आज मैं उनके भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा तरस आता है। देश के प्रधानमंत्री जो सब पूरे चुनाव खेलते हैं, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी को गाली देने से फुर्सत नहीं है कांग्रेस को। और उन्होंने तो बातों में भारतीय जनता पार्टी की जो 18 साल की नाकामियां हैं वो भी बता दी। अभी भोपाल में कह के गए थे पेट्रोल जहां भाजपा शासित है वहां सस्ता है, सबसे महंगा मध्य प्रदेश में है। मोदी जी बात करते हैं, हेमेंद्र जी तो कर्नाटक में भी जाके बहुत चिल्लाए थे, मोदी जी तो हिमाचल में भी चिल्लाए थे, मोदी जी तो पश्चिम बंगाल में भी चिल्लाए थे। लोग मोदी जी की असलियत जान चुके हैं कि मोदी जी देश में सिर्फ चुनाव खेलते हैं। हकीकत में मोदी जी को मैं सुन रहा था अभी आपके माध्यम से, उन्होंने कहा कि जो लोग गारंटी ले रहे हैं लाएंगे कहां से। अरे मेरे भाई, आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। मोदी जी को यह नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश कितना कर्ज में डूबते जा रहा है, क्या हालत मध्य प्रदेश की बना दी है इस मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी ने। मोदी जी को तो हरा हरा दिखा जाता है, लेकिन मोदी जी को यह भी नहीं मालूम कि आज मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सबसे निम्न है। जिस जनजाति बहुल क्षेत्रों में 80% से 90% आबादी शिक्षा से वंचित है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आप आयुष्मान कार्ड देने की बात कर रहे हैं, जब डॉक्टर नहीं होंगे तो इलाज करेगा कौन? और फिर आप 108 में अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाओगे तो उसमें भी पैसा लगने लगा है। ये मोदी जी को शायद मालूम नहीं है कि 108 एम्बुलेंस में भी पैसा लिया जा रहा है किलोमीटर के हिसाब से, 14-18 रुपए पर किलोमीटर। जो आयुष्मान कार्ड लेके जाएगा, मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि 20 सालों में आप स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाए। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज पैसे फ्री होता है, इनको मालूम है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। भाजपा के शासन काल में अस्पताल नहीं है, आयुष्मान कार्ड दे रहे, अच्छी बात है, मतलब इस बात की गारंटी दे रहे कि आप प्राइवेट अस्पतालों में, और आयुष्मान कार्ड में घोटाला की भी गारंटी दे रहे। भोपाल में आयुष्मान घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और आज भी आयुष्मान के नाम पर किस तरह से लूट मची हुई है कि अस्पताल वाले इलाज नहीं करना चाहते। मैंने कई केस देखे हैं कि अस्पताल वाले भगा देते हैं कि इनको पैसे की गारंटी नहीं होती है, और आयुष्मान की ये योजना जो भी बनाते हैं उसके पहले लूट का इंतजाम करते हैं कि अगर ये हम बनाएंगे तो उससे लूटेंगे कैसे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। और मोदी जी में इस समय चिंता, कर्नाटक चुनाव के बाद उनको मालूम है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है जिन 5 स्टेटों में। हेलो, आवाज आ रही क्या? ठीक है जी, जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी, ठीक है। और मैं दोबारा आऊंगा, संजय जी आपके पास दोबारा आऊंगा, अर्चन अर्चना जी हमारे साथ हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। पार्टी 50 संजय जी दोबारा आ रहा हूं जी, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में बात आप सुन रही होंगी कि भाई ये प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की नाकामियां गिना रहे थे मध्य प्रदेश की, पेट्रोल से लेकर तमाम दूसरे पहलुओं का जिक्र संजय यादव जी कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि एक तो प्रधानमंत्री के विषय में जब बात करें तब सम्मान से बात करें। देश के प्रधानमंत्री चिल्लाते नहीं है, बोलते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे विषय उज्ज्वला गैस का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे किसान सम्मान का हो, चाहे जनजातीय बंधुओं के बहनों के बजट को 9 साल में 190 गुना बढ़ाने का हो, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस हेल्थ की स्कीम है उससे भी कष्ट है। अगर जीरो टीचर और जीरो बजट स्कूल को छोड़कर जो कांग्रेस कही थी किसी को नहीं है, जनजाति का वहां पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बढ़े और लाखों की संख्या में टीचर्स का संजय जी उसमें अपॉइंटमेंट कहां है। इतना ही नहीं, आप ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के हॉस्टल, उनकी हायर एजुकेशन, विदेशों की शिक्षा, सिंचाई, शिक्षा का स्तर, यहाँ तक कि मनरेगा के क्षेत्र में जो मैनडेट जनजाति क्षेत्रों में खड़े किए गए हैं उसके बारे में इन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है। आज किसान सम्मान निधि जिसमें जनजातीय भी थे, अनुसूचित जाति के भी थे, सामान्य किसान भी थे, ओबीसी किसान भी थे,
उनकी सूची इनकी सरकार ने भोपाल से दिल्ली नहीं पहुंचाई, मंत्री जी के यहाँ जैसे ही प्रधानमंत्री जी नहीं मोदी जी ने जैसे ही शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बने उन्होंने दो काम सबसे पहले करे। पहला काम करा उन्होंने, दीदी आप जवाब दो, किसानों के सम्मान की सूची भोपाल सम्मान सूची पहुंचाई, और दूसरा उन्होंने जो काम किया जो प्रीमियम मौसम आधारित फसल बीमा का प्राणी था इनकी सरकार ने, वो प्रीमियम भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पहले किया। 7.5 लाख हेक्टेयर का मात्र इरिगेशन था, आज 42 लाख हेक्टेयर का इरिगेशन है और 65 लाख की तरफ हम जा रहे हैं। बिजली की उस समय क्या परिस्थिति थी, कांग्रेस आई और बिजली गई, ये जन जन की आवाज थी, सबकी मोटरें जलती थी और आज वो एक व्यवसायी अपने आप बंद हो गया। जिस प्रकार का वाईफाई से लेकर जो हमारा आईटी का इंटरवेंशन हुआ है, वो आईटी का इंटरवेंशन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का एक अनुपम मेल है, तो जो किया है उसको मानो है। और बेहतर करने की तो निश्चित तौर पर सीमा ही नहीं है, इसीलिए 23 और 24 में हम सरकार बनाएंगे अपने काम के आधार पर। जी ठीक ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी ये बात ठीक है, दावे अपने अपने ठीक है, लेकिन एक एक बात तो तस्वीर नजर आती कि भाई 24 की बात लगातार मोदी कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि फोकस में 24 तो है ही, लेकिन 23 में भी जिस अंदाज में वो आ रहे हैं, हम ये मानकर चलें कि एक चुनौती कांग्रेस के सामने मोदी के तौर पर भी रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए प्रशांत, जो मुद्दे हैं 23 के मुद्दे की बात आप 24 के साथ मिक्स करें तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, और फिर मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। आप देखिए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गारंटी है उसने एक इलेक्शन इशू तो कन्वर्ट कर दिया, उसने बना दिया इलेक्शन इशू। आप यदि जितना चुनाव में उसकी बात करेंगे कि ये गारंटी नहीं है, तो कांग्रेस जितनी बात नहीं कर रही उससे ज्यादा विपक्ष बात कर रहा है। और जो मुद्दे हैं अल्टीमेटली देखिए, जो सरकार में होता है वो एजेंडा तय करता है। आज लाडली बहना योजना पर तो उतनी बात नहीं हो रही जितनी आज कांग्रेस की गारंटियों पे हो रही। हमने एक सप्ताह के भीतर दो प्रधानमंत्री की विजिट देखी और दोनों में फोकस कांग्रेस की गारंटी थी। तो जो स्थितियां हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको हिट करने की कोशिश हो रही है। और मध्य प्रदेश के हिसाब से देखोगे आप, चुनाव के हिसाब से देखोगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है कांग्रेस की गारंटी एक बड़ा मुद्दा चुनाव के तौर पर वो बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरा जो करप्शन का विषय वो भी है, एक यदि मध्य प्रदेश में करप्शन इशू होगा तो वही तो कांग्रेस चाहती है ना कि कमीशन का जो इशू है वो इसके साथ कनेक्ट हो, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको यदि अटेंशन देगी तो निश्चित तौर पर जो इशू है वो कांग्रेस द्वारा जो बनाए गए इशू है उस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से उसको हिट करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी बात संजय जी, एक जो लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि नियत में खोट है इनकी और गरीबों पर ये चोट कर रहे हैं, केवल आप वादे करते हैं, आप अगर पेट्रोल सस्ता पेट्रोल देने का वादा करते हैं तो टैक्स के जरिए कहीं दूसरी जगह से आप जेब पर डाका डाल रहे होते हैं, आप पुरानी पेंशन का जब जिक्र करते हैं तो फिर लाले पड़ जाते हैं वेतन देने के, ऐसे तमाम उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। संजय जी देखिए राजस्थान में क्या हो रहा, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आई हैं, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां जो कह जो किए जो कहा वो किया। और हमने 15-12 महीने की सरकार थी, 15 महीने 3 महीने लोकसभा के निकाल दीजिए, तो जो कहा रहा वो किया। चाहे आज कन्या विवाह के लिए 51,000 की राशि हो वो भाजपा को तो देना तो पड़ रही, चाहे 300 से 600 पेंशन वो किया, गौशाला हमने बनाई इनने बंद किया, बिजली का बिल हमने हाफ किया, हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे थे। शिवराज जी तो उधार की जिंदगी जी रहे और उधार की जिंदगी से सरकार चला रहे, उधार की किस्ती से सरकार चला रहे, ये मोदी जी को तो शायद मालूम नहीं है। अगर मोदी जी को मालूम होता तो विशेष पैकेज दे देते मध्य प्रदेश को, इतने सालों में क्यों नहीं दिया विशेष पैकेज भाई, कि मध्य प्रदेश खर्च के बोझ से लदा हुआ है। मोदी जी को दया आती कि गैस सिलेंडर अगर हम देने की बात कर रहे आपने क्यों नहीं दे दी। आपने उज्ज्वल गैस की बात तो की, लेकिन आज क्या उज्ज्वल गैस कोई भरा रहा 1,150 रुपए में, आप 1,000 देने की बात कर रहे हैं, 1,150 रुपए उज्ज्वला गैस के नाम पे लो गया। आप तो लोगों को इस जेब में डाल रहे हो, दूसरी जेब से निकाल रहे हैं। महंगाई इतनी है आपकी कि आज गरीब आदमी जो बात कर रहे थे, दिनेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात की,
आज गरीब के लिए मनरेगा जो मील का पत्थर साबित हुई पूरी देश में, वो कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लाई थी। आज जो भ्रष्टाचार के मुद्दे से निकल रहे उसका बिल कौन लाया था? चाहे आपका सूचना के अधिकार कौन लाया था? ये कांग्रेस की देन थी। मोदी जी तो ये कहते हैं कि आदमी अभी 9 साल पैदा पहले हुआ है, ये कैमरा ये टीवी अभी सब 9 साल पहले आई है, 70 साल कुछ नहीं हुआ। अरे मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है कि नहीं पता नहीं, शिवराज जी भी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो भी कांग्रेस की देन थी, जिस अस्पताल में जी पैदा हुए होंगे वाजपेयी वो भी कांग्रेस की देन थी। तो अपने गृहमान में झाके तो अटल जी को भी गाली देने लगते हैं 70 साल में। 6 साल अटल जी का भी तो शासन था, अटल जी ने तो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना शुरू की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शिक्षा का गारंटी का अधिकार लाए थे कि नहीं लाए थे? फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे कि नहीं लाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी? जो आज अनाज देने की बात कर रहे, सिर्फ चावल दे रहे, गेहूं नहीं दे रहे, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बिल ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लाई थी, मोदी जी नहीं लाए थे। पहले इंदिरा आवास बनते रहे, आज अगर प्रधानमंत्री आवास आपने दिए हैं 1,74,000 में, गांव में 1,60,000 में एक कमरा भी नहीं बन सकता। भाजपाइयों से पूछ लो कि अपनी बाथरूम इनकी 1,60,000 की होगी? एक गरीब आदमी का आप मजाक उड़ा रहे हैं अर्चना जी। अर्चना जी सुन रहे हैं आप, सक चुकी है सारी बातें, आपने कुछ किया नहीं है। तमाम जो बड़ी योजनाएं जिनका जिक्र मार रहा संजय जी, नौजवान बेरोजगार में आई है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास जिस योजना का जिक्र बार बार बीजेपी करती है, अब उसमें जो पैसे मिल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है और क्या बन रहा है? सरकार, मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको जी। 20,000, 25,000, 30,000 देती थी, वो भी गांव के इक्के तुक्के गांव मकान को देती थी। जो एक दो मकान गांव में दे पाए वो आज प्रधानमंत्री आवास सबके लिए, उसकी निंदा कैसे कर सकते? जब उस समय 20,000 में बन जाता कितना पैसा बच रहा है? निंदा नहीं कर रहा है, आप बताइए 1,60,000 में 2 कमरों का मकान बन जाएगा? 1,20,000, 40,000 मनरेगा का, उसमें मनरेगा का भी पैसा लग रहा है। आप लोगों को सबको जानकारी होना चाहिए कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की योजना थी उसका भी 1,20,000 दे रहे हैं आप। 1,20,000 में आज के महंगाई की दौर में, मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी आप एक कमरा बना के बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास जो गांव गांव में बने, हेलो आप जाके उन्हें देखिए जी। और आज से 9 साल पहले जो इंदिरा आवास, दीदी कर्जदार बना रहे हैं आप लोगों को 1,20,000 में, और कुल दौर में वो इतनी महंगाई थी उस दौर में अच्छा इंदिरा आवास बनता था। सब तरफ जो सरकार चिंता कर रही है, आप इंदिरा आवास की बात करो, शिक्षा की स्थिति खत्म हो गई, आप भी शिक्षा मंत्री रही, आप भी शिक्षा मंत्री रही दीदी, आप भी शिक्षा मंत्री थी कि नहीं थी? कितने प्रतिशत हो गया शिक्षित मध्य प्रदेश? मैं वही आपसे कहना चाह रही थी, तब का ड्रॉप आउट रेट देखिए, अब का ड्रॉप आउट रेट देखिए। आपके विधानसभा में जवाब है मेरे प्रश्नों में देखिए कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर होना, माता पिता का पढ़ा लिखा ना होना, ये आपका जवाब है सरकार का? जितने बच्चे उस समय 10वीं 12वीं पास करते थे और आज कितने कर रहे हैं, उसमें गुणांक में परिवर्तन है ना? थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं। आज मध्य प्रदेश में बाहर कितने पढ़ने जाते हैं, कितने प्रतिशत पता लगाया आपने? पासों की निकलती। और आज जो हमारे मध्य प्रदेश को जिस स्थिति में, विभागु राज की स्थिति में आपने छोड़ा था, पढ़ने जाके सड़क से लेकर बिजली से लेकर आपको मालूम है जो प्रगति हुई है 10% के बाद पढ़ती नहीं है, इसलिए आप घोषणा कर देते हो। नहीं, आपको उल्टा मैं कहूंगी कि आप थोड़ी जानकारी और हासिल कर ले मेरे भाई, कि आप ये देखें कि 2000 प्राइवेट स्कूल वालों को दे रहे हैं कि आप स्कूटी, तब क्या स्थिति थी शिक्षा की? स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, तब कितने भाई आप 18 सालों की बात करिए, शिक्षा की स्थिति अभी बहुत बदतर है और बहुत अच्छी थी उस समय। शिक्षक हम लाए थे, शिक्षक मध्य प्रदेश के बच्चे हम लाए थे, आप नहीं लाए थे। शिक्षक आगे आ रही, सरकार उनकी कोचिंग की चिंता कर रही है, सरकार हॉस्टल में जो रहे बच्चे उनकी भी चिंता कर रही है, और जो बच्चे अपना आवाज लेके रहते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं। अरे पढ़ कितने रहे ये तो बता दो आप,
गांव के बच्चे पढ़े कितने कितने प्रतिशत रहे आपको मालूम है? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 80% गांव का बच्चा या बच्ची दसवीं के पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। आप 500 रुपया, मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ दीदी। आप 500 रुपए की तनख्वाह भी टीचर को छोड़ के गए थे, आज उस टीचर को 50,000 रुपए 60,000 रुपए की सैलरी है। ना आपने शिक्षा की चिंता करी? अरे हमने रखा था, हमने रखा था कर्मी, महंगाई की आवाज़ से पेमेंट बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, और वो कर्मी कल्चर से बाहर अगर किसी ने निकाला है तो शिवराज आपने स्वीकार कर लिया कि हमने सच्चे आशा आंगनवाड़ी सब नियुक्ति हमारी है। ठीक है, नियुक्तियाँ आपकी नहीं है, तब जैसे जैसे स्कूल बढ़ते गए वैसे वैसे संख्या बढ़ती गई। किसकी है? जैसी संख्या बढ़ी है सरकार की नहीं है, सरकार कोई भी आए। जी ठीक है, जी जी ठीक है, दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं, दिनेश जी के पास जाऊंगा। संजय जी लौट रहा हूँ, दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी दो बातें, एक तो ये जिक्र भी आया, संजय यादव जी कह रहे हैं कि भाई वाजपेयी जी की भी सरकार रही, ठीक बात है, 70 साल में 6 साल बीजेपी के सरकार के, वो भी हैं केंद्र में। दूसरा पेट्रोल का जिक्र बार बार आ रहा है कि भाई मोदी जी पेट्रोल का जिक्र कर गए लेकिन मध्य प्रदेश में भी 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, तो शायद ऐसी खबरें भी हैं कि अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम कुछ कम हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं? ये भी एक संभावना हम लगाकर चले, मानकर चले कि शायद इस टारगेट को लेकर इस तरह का बयान या इस तरह की बात निकल कर आई हो। अब देखिए, सरकार को यदि कुछ करना होता तो तत्काल करते थे। आप याद करिए कि एक बार मोदी जी ने कॉल किया था कि पूरे देश में कि हर राज्य अपना अपना बैट कम करे, जब उन्होंने पेट्रोल से ड्यूटी हटाई थी, तो आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर कई राज्यों ने दाम गिरा दिए थे। आप देख, मध्य प्रदेश यदि ये दाम गिरा देगा, आप कल्पना कीजिए प्रशांत जी, तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी? आपका जो रेवेन्यू फॉल होगा, तो ना तो लाडली बहना योजना चलेगी, ना कोई स्कीम चलेगी, एक आप सरकार जो है पैसा भी नहीं बांट पाएगी, इतना रेवेन्यू फॉल होगा। सरकार का को यदि डर नहीं होता तो अभी तक वो कर देती। तो आप मोदी जी बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस को हिट कर रहे हैं, उनका 24 का एजेंडा हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो एक अलग तरह की स्थिति है। पेट्रोल में जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, वो अलग तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अभी प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। आप जो कार्यक्रम था, वो सिकल सेल का जो कार्यक्रम था, उसमें उनका जिस आयुष्मान योजना को एक तरह से आप कह सकते हो रीलॉन्च हुआ है वो कार्यक्रम, क्योंकि ये तो पुरानी योजना हो गई ना, हमने सबने देखा कि इसमें तो घोटाला भी हो गया मध्य प्रदेश में। तो जिस पुरानी योजना को आप रीलॉन्च करेंगे, केवल पीवीसी कार्ड देंगे, तो नयापन उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो मध्य प्रदेश की जरूरत के हिसाब से कोई प्रधानमंत्री ने उसमें कहा हो। जो पेट्रोल का इशू है, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता दिख रहा है। चलिए, ये जरूर देखना होगा कि हालांकि जैसा कि दिनेश जी कह भी रहे हैं कि भाई राज्य और केंद्र के मसले अलग हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दौर 23 में क्या इम्पैक्ट डालेंगे, ये वाकई वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।